हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे साम हैंड मेकअप एकेडमी। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइंट अटेंड करना। क्लाइंट को कैसे अटेंड किया जाता है, जब क्लाइंट सैलून में एंट्री करता है तो उसका वेलकम कैसे किया जाता है। तो गाइस, वीडियो बनाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। बहुत काम आएगी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा आज का क्लाइंट अटेंड करना। तो गाइस, जैसे कि क्लाइंट एंट्री करता है तो एंट्री करने के बाद आपको कैसे क्लाइंट का वेलकम करना है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम ने एंट्री कर ली, क्लाइंट ने जब एंट्री कर ली, चेयर पर बैठ गए, जब आपने वर्क चालू कर दिया तो वर्क चालू करने के बाद दूसरा टॉपिक क्या आता है, टी या कॉफ़ी। टी या कॉफ़ी, ठीक है। टी कॉफ़ी पूछने के बाद पहले फिर पूछ सकते हो आप, मैम वाटर चलेगा, पानी। ठीक है, अगर आप वाटर नहीं बोल सकते, पानी, क्लाइंट बोलेगा यस। तो पहले, सबसे पहले क्लाइंट को पानी, फिर उसके बाद आपको टी और कॉफ़ी के लिए पूछना ही पूछना है। अगर सर्दी है तो टी और कॉफ़ी, और अगर आपको लगता है कि सर्दी और गर्मी में टी और कॉफ़ी पी लेते हैं तो पूछ सकते हो, नहीं तो गर्मी में आप जूस क्लाइंट को दे सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि सैलून में क्लाइंट का कितनी अच्छे से वेलकम होता है। ठीक है, और यहाँ का जो स्टाफ है बड़ा मैनेज कर रखा है। ठीक है, मैनेज मतलब कि यहाँ का जो ओनर है, ओनर ने स्टाफ को इतना अच्छा मैनेज कर रखा है कि क्लाइंट आए तो क्लाइंट का वेलकम कैसे करना है। ठीक है, तो ये सबसे हमारे सैलून के सबसे मेन पॉइंट है कि जब भी कोई क्लाइंट आता है, एंट्री करता है, तो आपको वेलकम कैसे करना है, फर्स्ट वेलकम कैसे करना है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हैव ए सीट मैम। सीट पे बैठाया, सीट पे बैठाने के बाद 5-10 मिनट के बाद मैम पानी, क्लाइंट यस या नो। ठीक है, उसके बाद जब वर्क चालू करते हो, तीसरा ऑप्शन मैम टी या कॉफ़ी या फिर जूस, बस इतना सा ही पूछना है। इतना सा पूछोगे क्लाइंट को भी लगेगा यार यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है, और जब उनको फीडबैक मिलेगा, जब आपको, अगर आप लिखवाते हो अपने सैलून पे फीडबैक क्लाइंट से, तो फीडबैक पे यही होगा इस वेरी नाइस स्टाफ्स। यहाँ पर क्लाइंट का काफ़ी अच्छा मान और सम्मान किया जाता है और काफ़ी अच्छा काम भी किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पार्लर की जो रनिंग है वो और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर वहाँ से काम करवा के आया, मुझे इतना अच्छा वेलकम किया और काम किया, सब कुछ अच्छा किया, तो मैं 2-4 क्लाइंटों को और जाके बताऊँगा यार वहाँ पर जाओ, इतना अच्छा वेलकम होता है, ये चीज़ है, इस चीज़ की फैसिलिटी है, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि पार्लर की जो ग्रो है वो ग्रो करता है पार्लर, और काम बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्लाइंट को अटेंड करना। तो मैंने आपको बता दिया क्लाइंट को अटेंड कैसे करना है। एंट्री करता है क्लाइंट, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, हाय मैम, कैसे हैं मैम आप बड़े दिनों में आए मैम। अगर क्लाइंट आपके पास रेगुलर आ रहा है, वही कैसे हो मैम, बड़े दिनों में आए हो मैम। बस आपको ये 2-4 पॉइंट ही है जिससे क्लाइंट को लगता है कि हाँ यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, और इससे रियल बता रहा हूँ मैं, हकीकत में आपका पार्लर जो है ग्रो करेगा, कम नहीं होगा, काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि जब आपका काम भी अच्छा हो और जब आपकी बोलचाल भी अच्छी हो तो काम डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखना मत भूलना, इस वीडियो को जरूर देखना शुरू से एंड तक, और समझना कि कैसे क्लाइंट को अटेंड करते हैं, कैसे करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम। ठीक है, ठीक है, तो आपको कैसे अटेंड करना है मैंने आपको तरीका बता दिया है। ऐसे ही क्लाइंट को आप अटेंड करके देखिए, 1 महीने आप रेगुलर अपने सैलून पे ऐसे ही करके देखिए, और 1 महीने के बाद मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके सैलून पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और आपका काम कितना बड़ा है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना और कमेंट भी जरूर देना। ओके गाइस, बाय बाय।